चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में बेटा मैं आप सब बच्चों के साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये वाला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और मैं आप सब बच्चों को बता दूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जैसा कि आप सब बच्चों को पहले से पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो तीन एक्टिविटीज को मिलाकर बनती है। इसमें जो फर्स्ट एक्टिविटी है जिसका नाम है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर वन हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है बेटे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये नंबर वन पर आता है। नंबर टू पर हमारे पास आता है बेटे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नंबर टू पर आता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और नंबर थ्री पर मेरे पास आता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटीज। तीन तरह की जो एक्टिविटीज हैं ये आपकी बनती है। अगर हम इसमें सबसे पहले नंबर की बात करें, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आपके चैप्टर के स्टार्टिंग फेस में आप ये बात मानकर चलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए स्टार्टिंग फेस में। उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। आज की जो मेरी क्लास है और जो मैंने लास्ट क्लास की थी वो भी मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेकर की थी, और आज की जो मेरी क्लास है वो भी बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेकर के ही मैं आप सब बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब जरा एक बार जरा चेक करिए सब लोग, मैं आप लोगों के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 22 तक कल होमवर्क में दे चुका था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 23 से करवा रहा हूं। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन इन प्रीवियस वाले में से नहीं भी हुआ था तो आज की जो क्लास है वो कल वाले को बेस बना करके एडवांस लेवल की क्लास होगी। तो आज की क्लास में और बेहतरीन तरीके से मैं आपको किस तरह से लेजर अकाउंट बनाने हैं वो मैं आपको प्रिपेयर करके बता रहा हूँ। आप जरा सब लोग देखिएगा, इसमें लिखा गया फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अपने को कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है वो बनाना है। देखिए इसमें लिखा गया प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास है 8,50,000 ओपनिंग में, क्लोजिंग में है हमारे पास 10 लाख। ये तो आ गई प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40,000 से 1 लाख हो गया और लैंड की जो कॉस्ट है 2 लाख से 1 लाख हो गई। इसके अलावा ये कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बोला डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹50,000। फिर इन्होंने पॉइंट नंबर टू में लिखा प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू ₹60,000 सोल्ड फॉर ₹40,000। एक प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 60,000 थी हमने उसको 40,000 में सेल कर दिया। और एक एडजस्टमेंट इन्होंने दी लैंड वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000 कि हमने लैंड जो है वो 60,000 गेन पर हमने सेल की। मैं आपको क्या करवा रहा हूं, पहले मेरी बात को सुनो ध्यान से। मैं आप लोगों को जितने भी आपके ये पॉइंट है इनकी एडजस्टमेंट भी करवाऊंगा। ये देखो मैं ये क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा बेटे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बना रहा हूं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपको एक तो मैं ये बना कर दे रहा हूं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मैं आपको ये बना कर दे रहा हूं। आप सुनो मेरी पूरी बात, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जब मैं बनाऊंगा तो एक तो हम लोग इसका फॉर्मेट तो ये बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक बात है। और जितनी भी आपकी जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो उन सबके मैं नीचे अलग से लेजर भी बनाऊंगा, ठीक। अब सुनो, पहली बात हमें एडजस्टमेंट नंबर वन किसके रिगार्डिंग दिए बेटे, प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग। एडजस्टमेंट नंबर टू भी किसके रिगार्डिंग दी है, प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग। और क्वेश्चन की एडजस्टमेंट नंबर थर्ड
हमें जो दी गई है वो लैंड के रिगार्डिंग दी गई है। जबकि आप जब मेन क्वेश्चन देखते हो तो प्लांट एंड मशीनरी के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है और लैंड का भी मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बना रहा हूं। आप सब लोग मेरे साथ ध्यान से समझिए, मैं आप लोगों को प्लांट एंड मशीनरी इनका लेजर बनाकर दे रहा हूं। प्लांट एंड मशीनरी का मैं आप लोगों को एक लेजर जो है वो बनाकर दे रहा हूं। प्लांट एंड मशीनरी का मैं आप लोगों को लेजर बनाकर दे रहा हूं। प्लांट एंड मशीनरी का अगर मैं लेजर बनाकर दूंगा तो आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से समझिए। ये देखिए, प्लांट एंड मशीनरी का जब लेजर हम लोग बनाएंगे, आप सब बच्चे मेरे को बताओ प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। प्लांट एंड मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमारे पास है 8,50,000। ये देखिए बैलेंस बीडी, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 8,50,000, ये वैल्यू आ गई। और प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस के नाम पर हमारे पास 10,00,000 है, ये वैल्यू आ गई। अब सब बच्चे सब लोग ये बताओ, ये वाली बात क्लियर है क्या? ये देखिए ओपनिंग बैलेंस है वो इधर आ गया और क्लोजिंग बैलेंस है वो इधर आ गया, ठीक बात है? सब लोग बताना मेरे को इतना समझ में आ रहेगा सब लोगों को। चलो मैं आगे, आइए इतना काम करने के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आने के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है जरा बताओ। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक तो ये बोला गया डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹50,000। प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना लगाना है आपको? 50,000। तो चलिए प्लांट एंड मशीनरी पर अगर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मैंने लिखा बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अमाउंट अगर आप अमाउंट लगाते हो तो ये वैल्यू आ गई 50,000। अब जरा मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? ठीक बात है, आपने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया? 50,000। एक तो ये वाली बात आ गई। फिर इन्होंने बोला प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू ₹60,000, सोल्ड फॉर ₹40,000। एक प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कीमत है 60 और उसको हमने सेल कितने में कर दिया बेटे? 40 में। तो एक बात बताओ क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। अपने कितने में एसेट को सेल किया बेटे? 40,000, ये वैल्यू आ गई। और क्योंकि उसकी एसेट की वैल्यू आपकी थी 60, तो बाय पीएनएल अकाउंट आपको इसमें कितना लॉस हो गया? 20,000 का इसमें लॉस हो गया। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये लेजर वाली बात आपको क्लियर है क्या? हमने प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बनाया, हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है बेटे? 50,000, वो मैंने ले लिया। और प्लस इसने बोला कि कितने का हमने इसको सेल किया, कितना हमें लॉस हुआ, वो हमने ले लिया। यहां से बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टू बैंक अकाउंट, यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास परचेस को लेकर। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात आप लोगों को क्लियर है क्या? यहां से बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास परचेज की वैल्यू आ जाएगी। यहां बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा बेटे? परचेज। लिखो जरा, परचेज की वैल्यू आ जाएगी। अब परचेज की वैल्यू कितनी आएगी, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो भाई 50 प्लस क्रेडिट, 40 प्लस 20 प्लस 10,00,000, तो मेरे पास क्रेडिट टोटल आ गया 11,10,000। ये तो आ गया क्रेडिट टोटल। डेबिट टोटल है 8,50,000। 11,10,000 में से माइनस करेंगे तो यहां से जो वैल्यू है ये आ जाएगी 2,60,000। ये हमारे पास परचेज की वैल्यू आएगी। आप सब बच्चे मेरे को इतना बता दो, इतना आपको क्लियर है क्या? ठीक बात है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। इतना काम करने के बाद ये देखना जरा बेटे, अपने पास जो ओपनिंग बैलेंस है, अपने पास जो क्लोजिंग बैलेंस है, उसका हमें कुछ नहीं करना। इसका कैश फ्लो पर क्या इंपैक्ट आएगा वो बता रहा हूं। देखो ड्यूरिंग द ईयर जो हमने
डेप्रिसिएशन लगाया प्लांट एंड मशीनरी पर, डेप्रिसिएशन हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, पी एंड एल में आता है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट का डीलिंग क्या होगा, इसको बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर वापिस से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहली बात तो ये, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर वापिस से ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर हमने लगाया तो वो पी एंड एल के अमाउंट को क्या कर देता है, कम, तो वापिस से उसको क्या करेंगे, ऐड। दूसरी बात, हमने जो प्लांट एंड मशीनरी को सेल किया 40 में, ये 40,000 रुपए सेल करने से हमारे पास कैश का इनफ्लो आया, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके क्या हो जाएगा, प्लस। सेल करने पर जो लॉस हुआ, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या कर देने वाले हैं, वापिस से ऐड, क्योंकि जो लॉस हुआ वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर के वापिस से ऐड होगा, क्योंकि वो पी एंड एल से राइट ऑफ हमने किया होगा। और अगर मैं बात करता हूं यहां से जो बैलेंसिंग फिगर आई परचेज को लेकर, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कैश आउटफ्लो हुआ है, कैश इससे क्या हुआ है बेटा, आउटफ्लो, क्योंकि परचेज अगर तुम करोगे तो पैसे जाएंगे, कैश आउटफ्लो हुआ, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम इसको क्या करेंगे बेटे, माइनस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम इसको क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। ये वाली बात बता दो, क्लियर है? अब मैं क्या करने वाला हूं, सुनो, इन सब बातों का इंपैक्ट मेरे कैश फ्लो पर क्या पड़ेगा बेटा। सबसे पहली बात, तुमने कितने का एसेट को सेल किया, 40,000, यहां लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो हो गया। और ये जो तुमने 260 का परचेज किया, यहां लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो परचेज हमने किया प्लांट एंड मशीनरी, वो हमारे पास 260,000 ये माइनस में आ गया। आप मेरे को ये वाली बात बता दो, इतना आपको क्लियर है क्या, बोलो हाँ या ना? चलो बेटे मैं आगे, आइए। इतना काम करने के बाद बेटा, इसके बाद आप अगर देखोगे ना एडजस्टमेंट्स में, तो अपनी प्लांट वाली एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 2 दोनों मैंने फिल कर दी। एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में चेक करो, थर्ड नंबर पर क्या है, लैंड वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000। अब सब लोग पहले मेरे को ये बताओ, ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रहा है कैसे लेजर बनाया, क्लियर है? पेपर में बना लोगे, एडजस्टमेंट में आएगा, ये पक्का आएगा, बना लोगे पक्का। इसी तरह से लैंड को लेकर इन्होंने क्या पॉइंट दिया, कि जो लैंड हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल की, वो कितने प्रॉफिट पर सेल की, 60,000 प्रॉफिट पर सेल की, ऐसा हमें दिखा होगा। अब मैं क्या करूंगा, लैंड अकाउंट भी बना दूंगा, ये लो। हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें लैंड अकाउंट ये बना देंगे। अगर हम इसका लैंड अकाउंट बनाते हैं, ये देखो आप, अगर हम इसका लैंड अकाउंट बनाते हैं, अगर हम इसका लैंड अकाउंट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे सुनो, इसके लैंड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख। तो ये लो, लैंड का ओपनिंग बैलेंस 2, बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटे, 2 लाख, ये तो इसमें आ गया। और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास बाय बैलेंस सीडी, लैंड का क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटे, 1 लाख, वो इसमें आ गया। अब सब बच्चे पहले ये बताओ, ये क्लियर है क्या, ओपनिंग वाला ओपनिंग में आ गया, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में आ गया। अच्छा मेरे को ये बताओ आप, आपने लैंड ओपनिंग में कितने की थी अपनी, 2 लाख, क्लोजिंग में कितने की है, 1 लाख। तो एक बात तो प्रैक्टिकल पता है कि 1 लाख रुपए वैल्यू की लैंड हमारी कम हो गई, सही है, जो कि हमने सेल की है। और इसने एडजस्टमेंट में क्या बोला, कि लैंड को सेल करने पर कितना गेन हुआ था, 60,000। इसका मतलब है 1 लाख रुपए वाली लैंड जब तुम सेल करते हो
और मैं ये कहता हूं उसमें तुम्हें 60,000 का प्रॉफिट है, इसका मतलब ये कि वो लैंड तुमने कितने में सेल की होगी, 1,60,000। तो ये देखिएगा, मैं यहां लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, हमने जब लैंड सेल किया बाय बैंक अकाउंट, हमने उस लैंड को 1,60,000 में सेल कर दिया, ये वाली बात बता दो क्लियर है क्या? अगर आप ऐसा करते हो तो टू पी एंड एल अकाउंट आपको इसमें कितना लॉस होगा ये बताओ, प्रॉफिट होगा ये बताओ, 60,000 वो क्रॉस हो जाएगा। आप जरा ये वाली बात बताना, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? हाँ या ना? इतना काम करने के बाद फिर पता है क्या होगा, ये बस ये लेजर आपका इतने में ही क्लोज हो जाएगा, ये आपका लेजर इतने में ही क्या होगा बेटे, क्लोज हो जाएगा। अब आपका लेजर इतने में क्लोज तो हो गया, लेकिन मैं क्या करूंगा, लैंड का ओपनिंग बैलेंस बीडी 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस सीडी 1 लाख, इनका तो हम कोई डीलिंग करेंगे नहीं, ठीक। यहां से आप बताओ कितने की तुमने इसको सेल किया, 1,60,000 इनफ्लो हुआ या नहीं हुआ? तो ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनाओगे, इन्वेस्टिंग में जाके क्या होगा, इनफ्लो है इसलिए ऐड। और ये जो प्रॉफिट हुआ लैंड बेचने पर, इसे हम लोग नाम देंगे बेटे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लैंड बेचने पर जो इनकम आई, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन ऑपरेटिंग इनकम के मान करके। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, ये जो 1,60,000 की तुमने लैंड सेल की है, ये जो अमाउंट सेल की है, इसको तुम कहां लिखोगे, इसको तुम लिखोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यहां लिखोगे सेल ऑफ लैंड, लिखो जरा सेल ऑफ लैंड, लैंड सेल की है तुमने 1,60,000 की, ये अमाउंट तुम्हारे पास कैश का इनफ्लो आ गया, सेल ऑफ लैंड तुम्हारे पास कैश का बेटा इनफ्लो आ गया। सेल करने से पैसा आएगा और परचेज करने से पेमेंट जाएगी, तो सेल ऑफ लैंड आपके पास इनफ्लो है। ये बेटे मैंने लैंड अकाउंट आपको बनाकर दिया है, फिर से समझ लीजिए, मैंने आपको लैंड अकाउंट बनाकर दिया, लैंड अकाउंट में अपन ने लैंड सेल की है 1,60,000, पैसे आएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके प्लस होगा। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? ओके है, जल्दीबाजी कोई नहीं है, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्वेश्चन को वापिस से पढ़ो, पहले क्वेश्चन जहां से स्टार्ट था पढ़ो जरा इसको एक बार। चलो आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात क्लियर है क्या? तो हमारे पास लैंड बेचने से ये इनकम आ गई, ये मैंने आपको बता दी बेटा, ठीक, इनकम आएगी वो तो अलग हो गया, और लैंड बेचने से जो अमाउंट आया वो इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। वापिस से क्वेश्चन चेक करना, स्टार्टिंग से देखोगे तो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किस किस वैल्यू के दिए हैं, प्लांट एंड मशीनरी का दिया था उसका मैंने लेजर बना लिया, इसके बाद इन्होंने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का दिया था, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस तो है 40 और क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। पहले मेरे को सब लोग बताओ ये वाली बात सबको समझ में आ रही क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग है 40,000, क्लोजिंग है 1 लाख, दैट मीन्स हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर कितने की परचेज की होगी, 60,000। कोई चीज आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में 40,000 की है और वही चीज ईयर के एंड में 1 लाख रुपए की है, इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर 60,000 की तुमने क्या की होगी, परचेज। अब जो तुमने परचेज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का पहले डीलिंग नहीं है, लिखो जरा परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बेटे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तुमने कितने की परचेज की मेरे को ये बता दो,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तुमने परचेज कर ली 60,000 की, जो परचेज करोगे ना वो माइनस का आएगा। वॉट 40,000 से 1 लाख अगर कोई चीज हो रही है, इसका मतलब तुमने 60,000 की बेटे परचेज कर ली, जो परचेज की फिगर है वो इसमें आ गई। सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? उसके बाद आपके पास लैंड थी, वो लैंड का अकाउंट हमने बना दिया, तो और फर्दर इसमें कोई रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। और मेरे को नहीं लगता और कोई पॉइंट है, और कोई पॉइंट नहीं है तो एक बात सुनो, जरा स्क्रीन पर आ जाओ। सेल करने से 40 और सेल करने से 1,60,000, ये तो आया था, और माइनस हुआ है 261 और 61। माइनस करेंगे 160, माइनस करेंगे 40, वैल्यू आ गई 1,20,000, वैल्यू आ गई 1,20,000। तो एक बात बताइए, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आप मेरे को ये वाली बात बताएं, कैश यूज्ड है ये, कैश फ्रॉम नहीं आएगा, कैश यूज्ड होगा क्योंकि ये माइनस का है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस, क्योंकि कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका एक पार्ट मैं आपको करवा रहा था कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें अगर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी सेल की है तो वो कैश का इनफ्लो बना देगी, परचेज की है तो वो कैश का आउटफ्लो बना देगी। इस तरह से हमें उसको जो है वो लेकर के चलना होता है। सब लोग, सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना आप सब लोगों को क्लियर है क्या? मैं इससे आगे बढ़ूं बेटे? चलो, इतनी वर्किंग करने के बाद बेटा मेरे पास, अभी मैंने आपको करवाया इलस्ट्रेशन नंबर 23, इलस्ट्रेशन नंबर 24, आप ये मान लो जिसको ये टॉपिक आता है उसकी फाइनल, आपकी जो कैश फ्लो की कोई एडजस्टमेंट्स हैं कभी भी गलत नहीं होंगी। ये कल एक दो बच्चों का टेस्ट था, उसमें आया भी था। चलो, स्कूल लेवल पर देखिए, मशीनरी का और एक्युमुलेटेड बैलेंस का, आपके पास बैलेंस है, यहां मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। और इसने बोला ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग है 1 लाख, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस पर है 44,000 और उसको हमने सेल किया 30,000 में। अब ये क्वेश्चन उस बच्चे को समझ में आएगा, ये वाली बात समझना, ये क्वेश्चन उस बच्चे को समझ में आएगा जिसने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक 11th क्लास में डेप्रिसिएशन में पढ़ा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक कंसेप्ट होता था कि हम लोग क्या करते थे, एसेट की वैल्यू में हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करने की बजाय प्रोविजन बना देते थे जो कि लाइबिलिटीज में आ जाता था। मतलब डेप्रिसिएशन लगाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, पी एंड एल की डेबिट में आ जाएगा, या अपने पास एक कंसेप्ट ये होता है कि हम लोग डेप्रिसिएशन जब लगाएंगे पी एंड एल की डेबिट में तो आएगा, बट उसको एसेट में से माइनस करने की बजाय हम उसको लाइबिलिटीज में प्रोविजन के नाम से छोड़ देते हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना लो या तुम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना लो, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक, तुम उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलोगे तो भी बात वही है, तुम उसे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलोगे तो भी बात वही है। अब होगा ये कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात आएगी, हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम जब बना रखे हैं हमने, तो उसको कैसे डील करेंगे वो मैं इस क्वेश्चन में आपको बना के दिखा रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 24। आप ये बात मानकर चलो, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये इटसेल्फ यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में कैश फ्लो में आ जाए, डायरेक्टली पूरा का पूरा कैश फ्लो दे ही ना, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आ जाए, ये भी पॉसिबल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 अगर हम लोग बात करें क्या है इसमें ना, अपने को मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है।
अब क्या करिए, आप दो लेजर बनाओ, एक तो आप बनाओ मशीनरी का लेजर। मैं आपको बहुत ही बढ़िया लेवल पर क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, आप एक बार मेरी बात को पूरा एक्सप्लेन करने दीजिएगा। देखो, एक तो मैं बनाऊंगा बेटे आपके लिए मशीनरी अकाउंट, एक तो मैं आपके लिए यहां प्रिपेयर करूंगा बेटे मशीनरी अकाउंट, और एक मैं आपके लिए यहां प्रिपेयर करूंगा प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक हम लोग बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, दो बनाएंगे हम लोग। एक तो हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आप एक्यूमुलेटेड लिख लो, आपको और ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। वैसे प्रोविजन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब एक ही है, आप इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिख सकते। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। चलिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखें या आप इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखें, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, एक तो मैंने बना दिया मशीनरी और एक मैंने बना दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब सुनो, मेरे पास मशीनरी का जो बैलेंस है वो यहां लिखा गया टू बैलेंस बीडी। मशीनरी का जो बैलेंस है वो मेरा है 5 लाख और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 6 लाख बाय बैलेंस सीडी। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 6 लाख। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, पहले ये वाली बात क्लियर है क्या? मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आ गया 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस आपका आ गया 6 लाख, ये वैल्यू आ गई, ठीक है जी। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस होता है ओपनिंग, वो क्रेडिट होगा क्योंकि वो प्रोविजन है, क्योंकि वो लाइबिलिटी है, 1,64,000। और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस आपका 1,80,000 ये आ गया। आप सब लोग, सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? सब लोग, सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग ये दोनों बैलेंस मैंने रख दिए, सही है? ओपनिंग बैलेंस अपने, देखो एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट में आएगा बट क्लोजिंग बैलेंस रिवर्स में आएगा। इसी तरह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा और उसका जो रिवर्स बैलेंस है वो क्रेडिट में आएगा। अब इन्होंने मेरे को क्या एडजस्टमेंट दी है वो समझनी है। इन्होंने बोला कि हमारे पास एक एसेट है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 1 लाख, एक एसेट जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 1 लाख, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट कितना है, ये बोलता है उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 44,000। 1 लाख वाली जो एसेट है उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 44,000, सही है? और हमने उसको कितने में सेल कर दिया, सेल वैल्यू कितनी है बेटा उसकी, सेल वैल्यू आपकी है 30,000। उसकी सेल वैल्यू आपकी कितनी है बेटे 30,000। एक एसेट जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका कितना है 44,000, और तुम उसको सेल कितने में कर रहे हो 30,000 में, उसको तुम सेल कितने में कर रहे हो 30 में। अब मैं क्या करने वाला हूं सुनो। नंबर वन, देखो प्रैक्टिकली क्या है, मेरे पास टोटल टोटल एसेट, क्लोजिंग को भूल जाओ, ओपनिंग डेट में टोटल एसेट 5 लाख रुपए की है, स्क्रीन पर आओ, और उसके ऊपर टोटल प्रोविजन 1,64,000 है। ये प्रैक्टिकल लॉजिक है, टोटल एसेट कितने की है 5 लाख, उनके ऊपर प्रोविजन कितना है बेटा 1,64,000, ये ओपनिंग प्रोविजन है, क्लोजिंग को भूल जाओ एक बार, ठीक है ना? वो तो बैलेंसिंग फिगर हमें दी हुई है। अब ये कहता है इस 5 लाख में से एक मशीनरी है जिसकी कीमत कितनी है 1 लाख, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट कितना है 44,000,
आज हमें उसको सेल करना है बेटे। किसी भी एसेट पर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट तब तक रहता है जब तक कि वो हमारे पास है। जिस दिन हम उस एसेट को सेल कर देंगे उस दिन उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें खत्म करना होगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सुनो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट होता है। 1 लाख वाली एसेट के ऊपर 44,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। हम एक एंट्री बनाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। अब लिखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तुम्हारा था 44,000, एक एंट्री बना दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आप मेरे को बताना जरा, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? हाँ या ना? कितना अमाउंट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी? कितना अमाउंट है? 44,000। एंट्री क्या बनाएंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। इसको जब हम लोग एंट्री को बनाएंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में तो क्या लिखेंगे? टू मशीनरी। जल्दीबाजी नहीं है और ये एकदम में शायद समझ में भी ना आए आपको, क्योंकि अकाउंटिंग कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रोंग होता तो आपको क्लियर है। मैं कह रहा हूँ, जिसने 11th क्लास में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ा है उसको ये चीज पढ़ाई गई है। मैंने तो पढ़ाया था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि जिस दिन एसेट को सेल करेंगे उस दिन प्रोविजन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से निकल के एसेट अकाउंट में चला जाएगा। एंट्री बनेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो एक्यूमुलेटेड में लिखेंगे टू मशीनरी, मशीनरी में लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये अमाउंट कितना आएगा बेटे? 44,000। जरा सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? बोलिए हाँ या ना? चलू मैं आगे। अब बताओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44। अब ये बताना जरा, तुमने उसको कितने में सेल किया? 30 में सेल किया, तो बाय बैंक अकाउंट तुम उसको कितने में सेल कर रहे हो भाई? 30 में। तो तुम्हें इसमें लॉस कितने का हो गया? बाय पी एंड एल अकाउंट तुम्हें कितने का लॉस हो गया? कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 लाख रुपए की कोई चीज थी आपकी, 1 लाख रुपए वैल्यू की कोई एसेट थी, 44,000 उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, 30,000 तुम उसको सेल कर चुके हो, 74 गया, तो तुम्हें लॉस कितने का हो गया बेटे? 26 का। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें लॉस हो गया बेटे 26,000 का। सब लोग बता दो ये वाली बात क्लियर है क्या? यस या नो? इतना समझ में आ रहा है क्या? इतना समझ में आ गया तो बैलेंसिंग फिगर पुट करके मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। ये समझ में आ गया? 1 लाख रुपए वाली मशीनरी तुमने निपटा दी, कितना उसका एक्यूमुलेटेड था वो कैंसिल हो गया, जितने की सेल की और जितना तुम्हें लॉस हो गया। अब ये बैलेंस है, यहां से मशीनरी अकाउंट जो बैलेंसिंग फिगर शो करेगा वो शो करेगा टू बैंक अकाउंट परचेज। यहां से बैलेंसिंग फिगर शो करेगा परचेज। अब जरा मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात क्लियर है क्या? बताइए, आपको ये बैलेंस शो करेगा परचेज। क्या करेंगे? 44 + 30 + 26 + 6 लाख, ये वैल्यू आ गई 7 लाख, और माइनस करेंगे 5 लाख तो ये वैल्यू आ गई 2 लाख, ये वैल्यू आ गई 2 लाख। आप मेरे को बताइए ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? यस या नो? ठीक बात है। इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ये सब हो गया, इतना काम करने के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है इसमें भी क्या करेंगे? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या करेंगे? बाय पी एंड एल अकाउंट। करंट ईयर का हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर? 44,000 + 180, ये वैल्यू आ गई 2,24,000, माइनस करेंगे 164, तो यहां से 60,000 का जो अमाउंट है ये आ गया बेटा करंट ईयर डेप्रिसिएशन।
ये अमाउंट आपका आ गया करंट ईयर डेप्रिसिएशन। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? बोलिए, समझ पा रहे हो? इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे? करंट ईयर डेप्रिसिएशन। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट मैं रिपीट करके चल रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए बेटे। क्या होता है आपको मैं बताता हूं कि इनके पास है ना 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की एसेट है और उसके ऊपर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 164। तो इनकी बैलेंस शीट कुछ ऐसे रही होगी, सुनो, इनकी बैलेंस शीट कुछ ऐसे रही होगी। इनकी बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू थी 5 लाख, इनकी बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू थी 5 लाख, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रही थी 5 लाख, ठीक है। और इधर से हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू रही थी 1,64,000। ये हमारे पास 1,64,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी, ये टोटल था। ये कहता है इसमें से एक मशीनरी जिसकी कीमत है कितनी, 1 लाख, उसको सेल करना है और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 44। अब 1 लाख वाली पर अगर तुम्हारा प्रोविजन 44 है या एक्यूमुलेटेड 44 है, तो तुम्हें इस 1 लाख वाली पर बनाया गया प्रोविजन कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेच रहे हो। तो प्रोविजन का बैलेंस या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो एक एंट्री बना दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो आप डेबिट कर दो और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को आप 1,44,000 से क्रेडिट कर दो। जैसे ही मैं ये एंट्री बनाऊंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस 44,000 क्रेडिट था, वो मैंने क्या कर दिया? डेबिट। यानी इधर से प्रोविजन 44 खत्म हो जाएगा और इधर से 44,000 आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। यस या नो? और फिर जितने की सेल की वो ठीक, बाकी आपको लॉस हो गया। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि 5 लाख के ऊपर, देखो ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख और प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है 164। ये कहता है 1 लाख वाली मशीनरी हमने सेल कर दी, उसके ऊपर 44,000 एक्यूमुलेटेड था, तो 40 जो एसेट सेल कर दी उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट था उसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटे? फारिक करना पड़ेगा। उसकी एक एंट्री बनाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सही है? उसकी एंट्री कैसे बनाओगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लिखोगे टू मशीनरी, मशीनरी में लिखोगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये लिखेंगे हाँ या ना। और उसके बाद जब तुम एसेट को सेल करोगे, बाय बैंक अकाउंट सेल, बाय पीएनएल, ये आ जाएगा। और यहां से बैलेंस सीडी है, तो बैलेंसिंग फिगर में यहां से क्या वैल्यू निकल कर आ गई? परचेज की। और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वाले में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो करंट ईयर में जो डिप्रिसिएशन तुमने लगाया होगा उसकी फिगर निकल करके आएगी। अब इनका इंपैक्ट आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट पर क्या आने वाला है वो बेटे मैं आपको बताऊंगा कि इन सब बातों का आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट पर क्या इंपैक्ट आएगा, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा। इन सब बातों के बाद आपने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन सब बातों का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सुनिए, आपको सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का तो कुछ करना नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो, ठीक। अब क्या करोगे? ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये करंट ईयर का नहीं होता, ये पास्ट का होता है, जिसको मैंने कैंसिल किया। इसका ना तो आपके प्रॉफिट पर कोई इंपैक्ट आएगा, इसका ना ही आपके कोई कैश पर इफेक्ट आएगा, तो इसलिए इसका कैश फ्लो में कोई रोल नहीं है। अब बचा क्या मेरे पास? ये देखो, मैंने एसेट कितने में सेल किए? 30 में। एक बात बता दो सब बच्चे, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं यार, ये एरिया ना इरेज करके फिर मैं यहां लिखता हूं।
देखिए, सबसे पहली बात, जो सेल तुमने किया, सेल करने से पैसा आएगा, ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनाएंगे बेटे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके प्लस हो जाएगा। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके प्लस हो जाएगा। उसके बाद सेल करने पर जो तुम्हें इसके अंदर लॉस हुआ था, लॉस का तुम क्या करोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर जितना लॉस हुआ था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर ऐड करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि लॉस आपने कहां से राइट ऑफ किया होगा बेटा? पी एंड एल से राइट ऑफ किया होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो तुमने परचेज की, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके क्या होगा बेटा? माइनस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर के क्या होगा? माइनस, क्योंकि परचेज करने से पैसा जो है वो जाएगा, माइनस कर देंगे। और जो करंट ईयर में तुमने डेप्रिसिएशन लगाया, ये बेटे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा? ऐड। करंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगाया ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा? ऐड। सब बच्चे, सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? बताइए। डन? कैसे इसको डील करना है आप मेरे को बताइए, कोई डाउट है तो इसमें? चलिए, इसके बाद बेटे ये सब हो गया हमारा, इतना काम सबको क्लियर है क्या? बताइए, हाँ या ना? आइए, इतनी वर्किंग करने के बाद इसका कैश फ्लो के कौन कौन सी एक्टिविटी पर क्या इंपैक्ट आएगा वो मैंने आपको बता दिया बेटा। इसके बाद है ना, एक क्वेश्चन 25 ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, लेकिन 26 मैं करवा रहा हूं, 2 मिनट लगेंगे, फटाफट से देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 ये मैं आपको करवा के दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 26 ये मैं आपको करवा के दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 26 ये मैं आपको करवा के दे रहा हूं बेटा। इसमें है ना, क्वेश्चन नंबर 26 में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस आपके पास है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस आपके पास है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 40% ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 84,000। चलिए हम लोग क्या करेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसको बनाते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसको बनाते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये हम लोग बनाते हैं। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में मैं क्या करने वाला हूं ये देखो आप, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में मैं क्या करने वाला हूं ये देखिए आप, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास है टू बैलेंस बीडी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस है 3,40,000, ये मेरे पास आ गया। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस सीडी 2,80,000, ये मेरे पास आ गया। ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये वाली बात बताना क्लियर है क्या? फिर हमें क्या लिखा, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज सोल्ड 40% ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 84,000। कंपनी ने अपनी 40% इन्वेस्टमेंट को 84,000 प्रॉफिट पर सेल कर दिया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ जरा सब बच्चे, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट पड़ी है 3,40,000 की, हम इसका 40%, हम इसका 40% इन्वेस्टमेंट अगर सेल कर देते हैं, तो ये बताओ 340 का 40% कितना हो गया? 1,36,000। हमने 1,36,000 की, सुनो मेरी बात ध्यान से, 1,36,000 वैल्यू की इन्वेस्टमेंट 84,000 प्रॉफिट प्लस करके सेल की है। अब अगर 136 के ऊपर प्लस करते हो 84, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2,20,000, ये वैल्यू आ जाएगी 2,20,000। ये मतलब है इस बात का, हमने एसेट कितने में सेल कर दी? 2,20,000 में सेल कर दी, यानी कि हमने 3,40,000 वाली 40% प्रॉफिट पर प्लस करके हमने, यानी कि 1,36,000 वाली एसेट
कितने में सेल कर दी, 84,000 प्रॉफिट प्लस करके 2,20,000 में। मैंने कुछ वर्ड गलत यूज किया बीच में, मैंने बोला 3,40 की ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है, हमने 40% इन्वेस्टमेंट सेल कर दी। 40% इन्वेस्टमेंट होती है 1,36,000 की, हमने उसके ऊपर 84,000 प्रॉफिट प्लस किया और हमने उसको कितने में सेल कर दिया, 2,20,000 में हमने उसको सेल कर दिया। क्या करेंगे, बाय बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट हमने उसको सेल कर दिया 2,20,000 में, और यहां से उसमें क्या आएगा, टू यहां से उसमें क्या आएगा, तो मैं आपको बता दूं, यहां से उसमें बेटा मेरे पास टू P&L अकाउंट, उसमें मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट आ जाएगा, तो आप देखिएगा उसमें 84,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। सब लोग बता दो ये वाली बात क्लियर है क्या, उसमें कितना प्रॉफिट आ गया बेटे, 84,000 का प्रॉफिट आ गया। सब लोग बताओ यस या नो, बोलिए कितना प्रॉफिट आ गया, 84,000। इसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं है। तो यहां से बैलेंसिंग फिगर में अगर वैल्यू बचती है तो उसे मैं क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट। यहां से जो बैलेंसिंग फिगर मेरे पास आएगा उससे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे बेटे, परचेस की वैल्यू, 220 प्लस 280, ये वैल्यू आ गई 5,00,000, और इधर 340 प्लस 84 और माइनस करेंगे 5,00,000 में से, तो ये 76,000 जो वैल्यू है ये मेरे पास आ गई परचेस को लेकर, 76,000 वैल्यू आ गई परचेस को लेकर। ये वाली बात आप मेरे को बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या, बताइए ये वाली बात आपको क्लियर है क्या, ये वाली बात आप बताओ, यस या नो, ओके ना। तो यहां से हम लोग डील कैसे करेंगे, सुनो, ओपनिंग और क्लोजिंग को तो कहीं कुछ डील करना नहीं, और तुमने इसको सेल कितने में कर दिया, 2,20,000 में, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर के क्या होगा, प्लस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर के क्या होगा, प्लस। अच्छा, इसको सेल करने पर जो तुम्हें प्रॉफिट हुआ था इसको मैं लिखता हूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसको मैं लिखता हूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये क्या होगा, माइनस। और ये वाली जो वैल्यू है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसका हम क्या करेंगे, तो मैं आपको याद करा दूं, इसका हम क्या करेंगे, 76,000 की जो परचेज है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर के आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, माइनस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर के आपके लिए होने वाला है माइनस। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या, बोलिए, ये आपके लिए होने वाला है माइनस, फटाफट से आप मेरे को बता दीजिए इतनी बात आपको क्लियर है क्या, बोलिए, बोलो, समझ पा रहे हो आप। इस तरह से हम इसको लेकर के चलने वाले हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को, इस तरह से उसका अकाउंट बनेगा। और बेटे आपको इसके बाद एक और अकाउंट 27 क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई कर लेना है, अप टू 27 आप लोगों को ट्राई कर लेना है। ये आज की क्लास का होमवर्क है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने आपको बनाकर दे दिया, इसके बाद फिनेंशियल एक्टिविटी क्या होगा थोड़ा सा लाइटली पढ़ाकर, और मैं डायरेक्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपको ले आऊंगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारे के सारे पॉइंट अपने आप ही आपके कवर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं एक या दो लेक्चर में ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पर आपको ले आऊंगा, जहां से हम बहुत ही अच्छे लेवल पर चीजों को क्लियर करना स्टार्ट करेंगे। आजकल इतना करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, थैंक यू सो मच, बाय।